हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन 1-6 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो यहाँ पर एक वर्टिकल पोल है, सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है कि ये जो पी ए है ये आपका क्या है, वर्टिकल पोल। देन यहाँ पर जो सर्कस आर्टिस्ट है उसको क्लाइंब करना है कितनी मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करना है जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मीन्स यहाँ पर ये जो वर्टिकल पोल है इसका टॉप है पी, तो इस पी पॉइंट और यहाँ पर जो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है वहाँ पर इसको टाइटली स्ट्रेच्ड करके टाइट कर दिया एक पॉइंट पे। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने ग्राउंड में ले लिया है सी, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसको टाइटली स्ट्रेच्ड करके इसको यहाँ पर टाइट कर दिया। देन अब यहाँ पर आप देखें और आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मीन्स ये जो पोल है इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं एच और इसकी यूनिट मीटर रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रोप है इसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है, 20 मीटर। देन अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि अगर जो रोप है, मीन्स ये पी सी ये आपकी रोप है, अगर रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो मीन्स यहाँ पर ये तो रोप है, अब हम ग्राउंड को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा डायग्राम हुआ और यहाँ पर आप देखें ये वर्टिकल पोल है, ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 90 का। मीन्स ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमको सिंपली फाइंड क्या करना है, आप यहाँ देखें तो हाइट, तो जब आपने 8th चैप्टर किया था तो 8th चैप्टर में आपने देखा होगा कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहता था। तो इसमें या तो आपको यहाँ पर देखें तो दो साइड गिविन थी, एक साइड फाइंड करना होता था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम उसको फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, और आप साइन थीटा कॉस थीटा मींस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ भी आपको क्लियर हो चुकी हैं और उनका रेशियो किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी आपको क्लियर है। तो यहाँ पर बस हमको ये चेक करना है कि सबसे पहले तो आप देखें आपको फाइंड क्या करना है, हाइट गिवन कौन सी साइड है आपको, ये पी सी मीन्स हाइपोटेनस क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये आपका क्या है एक्यूट एंगल 30 डिग्री का आपको गिवन है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट आपको फाइंड करनी है पोल की इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। अगर ग्राउंड के साथ रोप 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो हमको फाइंड करना है इसकी हाइट। तो ये एंगल है, मीन्स ये क्या है थीटा, और ये जो 90 डिग्री के अलावा जो एंगल हम लेते हैं उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो होती है हमारी अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस या फिर एडजेसेंट साइड। और ये तो आपका हाइपोटेनस है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनस होता है। देन अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको, हाइट मींस यहाँ पर हम यूज़ किस किस को कर सकते हैं, इसको और इसको, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमको चेक करना होगा कि ये रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर देखें हमको क्या गिवन है, पी ए हमको फाइंड करना है और गिवन क्या है पी सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो सभी जगह सेम रहता है, बस चेंज आता है यहाँ पर परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड, और इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड या फिर बेस। और ये भी क्यों, क्योंकि जो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है 90 के अलावा जो एंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड होती है वो होती है हमारी अपोजिट साइड या फिर हम कहते हैं उसको परपेंडिकुलर, और ये जो साइड होती है ये होती है हमारी एडजेसेंट या फिर बेस। देन अब यहाँ पर देखें हमको यूज़ करना है इन दोनों का रेशो, क्योंकि इन दोनों के रेशो से ही हम क्या फाइंड कर पाएंगे इस हाइट को। तो यहाँ पर देखें या तो आप पी ओवर एच ले सकते हैं या फिर ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और यहाँ पर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, दोनों में से आप किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ दोनों आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप इसको करें और इसमें कंफर्टेबल हैं तो इसको करें। यह है सो का टोवा एस फोर साइन कॉस 10, साइन का हो जाएगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, कॉस का हो जाएगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, 10 का हो जाएगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड।
देन अगर इसको देखें तो ये होता है आपका साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये भी होता है टैन के लिए। और इसके लिए जो याद रखने का तरीका है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मीन्स साइन के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस के लिए बेस ओवर हाइपोटेनस, टैन के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर आप देखें अगर आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस का यूज़ करते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये कहाँ आ रहा है। और इस तरीके को देखें तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस मीन्स ये, तो बात तो एक ही है, यहाँ पे भी साइन आ रहा है, यहाँ पे भी साइन, क्योंकि है ये एक ही चीज़, बस तरीके ये दोनों अलग अलग हैं, मीन्स याद कर रखने का तरीका है ये, एक ये तरीका है एक ये तरीका है, और इनका आंसर तो सेम ही आना है। देन क्योंकि परपेंडिकुलर ही अपोजिट साइड होती है, एडजेसेंट साइड बेस होती है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, साइन, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, या फिर हम कह सकते हैं ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। देन अब यहाँ पर थीटा कितना है आपका 30 डिग्री का, तो थीटा की प्लेस पर आ जाएगा साइन 30। और आपका यहाँ पर देखें तो परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड है आपकी एच, और यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है 20, तो वैल्यू यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर 30, परपेंडिकुलर मीन्स जो आपकी अपोजिट साइड है वो कितना है आपका h, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है तो उसको हमने सपोज कर लिया h, देन हाइपोटेनस कितना है हमारा 20। अब यहाँ पर आपको साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो साइन 30 की वैल्यू अगर आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आप यहीं अटक जाएंगे, क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप 9 चैप्टर के जो क्वेश्चन है अगर वो क्लियर करना है आपको, तो इसके लिए आपको 8 चैप्टर क्लियरली आना चाहिए। और अगर आपको 8 चैप्टर क्लियरली नहीं है पूरे तरीके से, तो आप हमारे चैनल स्किल आर्क में जाएं और वहाँ पर चैप्टर 8 से रिलेटेड सारी जो एक्सरसाइज हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सभी चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट में हैं। तो आप चैनल स्किल आर्क में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ से 8 चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपने पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 30 की वैल्यू है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/2, देन एच ओवर 20 एज इट इज़। देन अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ से हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, h इंटू 2, 20 इंटू 1, देन ये जो 2 है ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने हाइट को सपोज किया था, जो पोल है उसकी हाइट को सपोज किया था क्या, h मीटर। तो यहाँ पर ये जो 2 था मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चला गया, 2 टेन्स आर 20 मीन्स 10 मीटर आ जाएगी आपकी हाइट पोल की। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सो पोल की हाइट कितनी आ गई है 10 मीटर, और यही हमको फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज करेंगे जो ट्री है उसकी हाइट। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं जो ट्री है वो है ए बी। अब स्टॉर्म के कारण ये ब्रेक हो गया और इसका ब्रेकिंग पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जब वो ब्रोक मतलब टूट गया तो ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मींस जब ये ब्रेक हुआ तो इसका जो टॉप रहेगा ये बेंड होके कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड को, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो जो ए बी है तो ये जो ब्रोकन पार्ट है जो पहले यहां पर ए सी था ये क्या हो जाएगा ए डैश सी। देन ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल है ही क्योंकि ये स्ट्रेट है और ग्राउंड भी स्ट्रेट है। देन यहां पर आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मीन्स ट्री का जो टॉप जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहां से इसके फुट तक की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। देन फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मीन्स यहाँ पर हमको ए बी फाइंड करना है, जो आपका ट्री है ये पूरा ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया, ये जो ए बी है ये क्या है हमारा ट्री, और इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ से ये ब्रेक हुआ है टूटा है ये पॉइंट है सी, और ये जो पार्ट ए सी था ये यहाँ टच हो रहा है मीन्स पॉइंट चेंज हो गया है। तो जो ए सी था ये क्या हो गया है ए डैश सी। मीन्स ये जो ब्रोकन पार्ट है यहाँ पर जो था ये ए सी किसके इक्वल होगा ए डैश सी के, क्योंकि अगर सपोज करिए हम किसी भी चीज़ को ब्रेक करते हैं तो जहाँ अगर वो ब्रेक हो भी गई है तो यहाँ से ये ट्री स्ट्रेट था देन यहाँ से ये ब्रेक हो गया तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा ना। अब यहाँ पर आप देखें तो हमको गिवन क्या है ये ए डैश बी,
ये 30 डिग्री का एंगल है, मीन्स इसके अपोजिट में जो साइड है वो हो जाएगी इसके अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा इसका बेस या फिर हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका बेस या फिर एडजेसेंट साइड, ये हो गई परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड, और ये तो आपका रहेगा हाइपोटेन्यूज। देन अब यहाँ पर आप देखें, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, और इसकी हाइट फाइंड करने के लिए आपको ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, और ये पार्ट किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मीन्स सबसे पहले आप चाहें तो इसको और इसको पहले ले सकते हैं, या फिर इसको और इसको, तो किसी एक को ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे बी सी ओवर ए डैश बी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है वो देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ जो हमारा याद करने का तरीका उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। सो यहाँ पर जो एक तरीका इसके अकॉर्डिंग देखा, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, या फिर हम कह सकते हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। देन अब ये क्या है, बी सी ओवर ए डैश बी, तो बी सी तो हमने एज इट इज रखा, ए डैश बी ये हमको पता है 8 मीटर। अब यहाँ पर आपको चाहिए 10-30 की वैल्यू, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप 10-30 की वैल्यू देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद होगी, उसकी वैल्यू सब पता होगी, तब आप 10-30 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3, बी सी एज इट इज़ 8 एज इट इज़, देन बी सी ओवर 8 एज इट इज़ 1/√3 एज इट इज़, बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 8 है डिवाइड में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो ये कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में था यहाँ, तो बी सी की वैल्यू आ गई 8√3 मीटर। देन अब बी सी हमको पता चल गया, अब हमको ए सी चाहिए, लेकिन ए सी किसके इक्वल है, ए डैश सी के, तो अब हम लेंगे हम ए डैश सी और ए डैश बी। तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है आपका बेस या फिर एडजेसेंट साइड। तो ये कहाँ आते हैं हम देख लेते हैं, बेस ये आ रहा है आपका, और ये आ रहा है हाइपोटेन्यूज, मींस ये आएगा कॉस में, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, या फिर इसको हम कह सकते हैं एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो दूसरा तरीका है ये है कॉस से एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, मींस ए डैश बी ओवर ए डैश सी। बस आपको यही चीज़ देखना पड़ेगी कि हमको फाइंड क्या करना है और कौन सा रेशो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या फिर एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखें, बेस हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, ए डैश बी, और हाइपोटेन्यूज है ए डैश सी। देन ए डैश बी की वैल्यू है 8 और ए डैश सी एज इट इज़। देन थीटा, यहाँ पर एंगल कितना है 30, तो थीटा की प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे, 30। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस 30, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। देन ए डैश बी, ए डैश बी कितना है 8, और यहाँ पर भी आप देखें लिखा हुआ है ए डैश बी इज इक्वल टू 8 मीटर, तो 8। देन ए डैश सी, ये तो हमको फाइंड करना है, तो ए डैश सी एज इट इज़। देन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, देन 8/a'c एज इट इज़। देन इसको सॉल्व करा, तो ए डैश सी इंटू √3, 8 2s are 16। देन यहाँ पर देखें तो ए डैश सी की वैल्यू यहाँ से हमको मिल सकती है, देखें तो ये √3 मल्टीप्लीकेशन में ये चला जाएगा डिवीजन में। तो इस तरह से ए डैश सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ए डैश सी जो है ये किसके इक्वल है, ए सी के, क्योंकि देखें जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है सी, और जो ब्रोकन पॉइंट है वो ए सी क्या हो गया है, ए डैश सी, मीन्स ए सी और ए डैश सी क्या है, इक्वल। तो इस ए डैश सी की प्लेस पर हम लिख सकते हैं ए सी। देन क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ए बी, क्योंकि ये क्या है, ट्री है, टोटल पूरा ए बी ट्री था, और इस ए बी ट्री की हाइट हमको फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। सो हमको ट्री की हाइट फाइंड करनी है ए बी, तो ए बी दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, ए सी प्लस बी सी, तो ए बी इक्वल्स टू हमने लिखा ए सी प्लस बी सी। अब बी सी की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड कर ली थी 8√3, और ए सी की वैल्यू आई है 16√3, तो यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, ए सी की वैल्यू 16/√3, और बी सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 8√3। देन यहाँ √3/√3 एलसीएम आ जाएगा सेम, और 16 और 8 ऐड हो जाएंगे, तो 16+8 हो जाएगा 24। देन अब यहाँ पर देखें ये क्या है, 24/√3, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसके अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर में √3, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर, और इसको रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रूट वाला नंबर होता है उसका मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया। इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किए हैं 8th चैप्टर में, उसमें भी हमने कई जगह पर इस तरह की स्टेप यहाँ पर ली थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि ये जो √3 है ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसीलिए हमने क्या किया
कि जब भी इस तरह की कंडीशन बनती तब हम क्या करते हैं, उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हमने वही किया यहाँ पर, ये रूट थ्री अपॉन में था, देन इसका मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, 24 रूट थ्री एज इट इज़, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 8 रूट थ्री मीटर। मीन्स जो ट्री है आपका ए बी, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 8 रूट थ्री मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के अकॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए पार्क में दो स्लाइड्स को लगाने का प्लान किया। अब फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मीन्स 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए देखें, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मीन्स जो स्लाइड ले रहे हैं वो स्लाइड कितनी हाइट पर रहेगी, 1.5। तो ये तो स्लाइड है, इस तरह से लगेगी, बट वो कितनी हाइट पर है, 1.5। और ये किसके लिए प्लान किया है, बिलो 5 ईयर्स, मीन्स जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए। देन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो ग्राउंड है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, 30 डिग्री। देन वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मीन्स जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो कितनी हाइट पर स्लाइड को प्लेस करेगी, 3 मीटर। देन यहाँ पर क्या बोला गया, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मीन्स कितनी हाइट रहेगी, 3 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। तो यहाँ पर एक पहला केस ये है जिसमें 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर स्लाइड फिक्स कर रहे हैं और इसकी हाइट कितनी है, 1.5। मीन्स ये जो आपकी स्लाइड है इसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है, ये। देन यहाँ पर जो सेकंड केस है इसमें हमने पी क्यू लिया है हाइट, और ये जो स्लाइड है ये है आपकी पी आर, और यहाँ पर हाइट कितनी हमको बोला गया है, 3 मीटर की हाइट है। और ये केस किसके लिए है, एल्डर चिल्ड्रंस के लिए। देन अब यहाँ पर इस केस में भी हमको ये स्लाइड की लेंथ बतानी है और इस केस में भी ये स्लाइड की लेंथ हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल है ए बी सी, ये 30 डिग्री का एंगल है, मीन्स ये है इसकी अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा इसका बेस मीन्स एडजेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो स्लाइड है ए सी इसकी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं एक्स मीटर, और सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, और जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर उसकी हम लेंथ यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो जो ट्राइंगल ए बी सी है ये 30 डिग्री का है, इसकी अपोजिट साइड है ये मीन्स परपेंडिकुलर, ये है आपके एडजेसेंट साइड मीन्स बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत किसकी हमको, ए बी ओवर ए सी, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर आप देखें जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है वो क्या होता है, हमारा साइन थीटा। कैसे क्लियर है हमको, तो इस वाले तरीके से देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी, ए बी ओवर ए सी। अब एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री का, सो साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी हमारा 1.5, ए सी हमने सपोज किया है एक्स, तो 1.5 ओवर एक्स। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू 1.5 ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू 1 आ जाएगा एक्स, 1.5 इंटू 2, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.0 मीन्स 3 मीटर। देन अब सेकंड केस में आते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में जो स्लाइड है ए सी उसकी लेंथ तो हमको पता चल गई है 3 मीटर। सेकेंड केस की बात करते हैं, इसमें क्या है, स्लाइड क्या है हमारी पी आर, इसकी हाइट हमको बतानी, इसको हम सपोज कर लेते हैं वाई, तो पी आर की लेंथ हमको बतानी है, हमने सपोज कर लिया वाई मीटर। देन यहाँ पर भी हमारा साइन थीटा ही लगेगा, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ये एंगल है 60 डिग्री का, तो एंगल के अपोजिट में ये साइड है, मीन्स ये अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर, और ये आपकी हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ओवर साइन थीटा। सो सेकेंड केस जो है इसमें क्या है, पी क्यू कितना गिवन है, 3 मीटर, पी आर हमने सपोज किया है वाई मीटर, लेट।
देन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस करना है, तो परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू ओवर हाइपोटेनस है पी आर, और ये क्या होता है हमारा साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। देन यहाँ पर एंगल कितना है 60, तो साइन थीटा की प्लेस पर 60। देन यहाँ पर देखें तो पी क्यू कितना है 3, पी आर है y, देन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो पुट अप कर देते हैं यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 × y √3y = 3×2=6। देन यहाँ पर y के मल्टीप्लीकेशन में √3 था, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 के डिवाइड में। देन यहाँ पर देखें जो y की वैल्यू है ये भी क्या है, यहाँ पर देखें तो 6 के अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर, और इसको रैशनल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, जिससे ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया 6 × √3, तो आ जाएगा 6√3, √3 × √3 हो जाएगा 3। अब ये कैसे होता है, तो कोई भी नंबर रहे अगर वो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर या फिर क्यूब रूट के अंदर, बस रूट आपका सेम होना चाहिए, तो अगर उनका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो ये √3 के अंदर हम एक साथ इनको लिख सकते हैं, और यहाँ पर पेयर बन गया मीन्स ये पेयर से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 6√3/3, 3×1=3, 3×2=6, तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। मीन्स जो फर्स्ट केस है उसमें जो स्लाइड रहेगी वो रहेगी 3 मीटर की, और सेकेंड केस में जो आपकी स्लाइड रहेगी वो रहेगी 2√3 मीटर की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स, तो जब चैप्टर 9 स्टार्ट किया था तो उसके इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन समझा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब आपका जो एंगल क्रिएट होता है ग्राउंड के साथ वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी हमारा एक टावर है, सो यहाँ पर हमने ए बी एक टावर ले लिया, लेट ए बी बी अ टावर। देन आगे बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ का, ये जो टावर है इसका जो टॉप पॉइंट है वहाँ से इस ग्राउंड तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो इस टावर के फुट से कितनी डिस्टेंस पर गिवन है हमको, 30 मीटर। और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन है इसीलिए ये ग्राउंड से ही बनेगा, मीन्स यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तब ये हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, पहली बात होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इस पॉइंट से जब हम इस टावर के सबसे टॉप पॉइंट को देखेंगे तो ग्राउंड के साथ, मीन्स ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है वो पॉइंट टावर के फुट से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर। देन क्या पूछा है हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स ये जो टावर है इसकी हाइट हमको फाइंड करना है, और इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं h मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर में, इसलिए इसकी यूनिट हम क्या लेंगे, मीटर। सो हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इस टावर की हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले देखें एंगल तो आपको गिवन रहेगा ही, क्योंकि एंगल के थ्रू ही आप क्या फाइंड कर पाएंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो। तो यहाँ पर ये फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, मीन्स इन दोनों का रेशो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमको मिलता है। तो यहाँ देखें ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस, या फिर हम कह सकते हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, ये होता है हमारा किस में, टेन थीटा में। तो बस इस तरह के जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमको फाइंड करना है वो, और जो आपको गिवन है वो, उन दोनों का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। तो यहाँ पर हमने देखा हमको फाइंड करना है ए बी, और गिवन क्या है, बी सी। तो ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट साइड, और ये जो बी सी है ये क्या है आपका, ये है आपका बेस, या फिर हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड। मीन जो गिवन है और जो पूछा है उन दोनों का रेशियो हमको देखना है, तो उन दोनों का रेशियो देखें तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स ए बी ओवर बी सी। अब ए बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है आपका, बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है, टेन थीटा में, कैसे देख लेते हैं एक बार और। तो दोनों तरीके हमारे पास, पहले तरीके से देखते हैं तो साइन कॉस टेन, टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
अगर 100 का 2 से देखें तो 10 के लिए आता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो ये अपोजिट ये एडजेसेंट मींस ये किस में आ रहा है, 10 थीटा में, इसलिए हमने लिखा कि वी नो दैट 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस या फिर ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब ऑपोजिट साइड है हमारी ए बी, ये अपोजिट साइड कैसे है, क्योंकि ये एंगल हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या बोला गया है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपके ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 का, मीन्स ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड रहेगी वो रहेगी परपेंडिकुलर, क्योंकि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होती है, और ये हो जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड मीन्स बेस। देन और क्योंकि ये फाइंड करना है, ये गिवन है, इसलिए इन दोनों का रेशो लेंगे हम। हर क्वेश्चन में ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब आप सोचेंगे हम ये और ये क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके बारे में हमको क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं गया है, हमको बोला गया है तो ये पूछा गया है और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो जो पूछा है और जो हमको गिवन है बस उन दोनों का रेशो हमको देखना है, तो ये अपॉन ये या फिर ये अपॉन ये। देन यहाँ पर 10 थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पर हमारा 30, 10 30, परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड है हमारी ए बी और बेस मीन्स एडजेसेंट है बी सी, तो ए बी ओवर बी सी। अब इनकी जो वैल्यूज है वो पुट अप कर देते हैं। अब यहाँ पर आती है बात 10 30 की, तो 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको क्लियर हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपको इजीली पता चल जाएगी। तो 10 30 की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, ए बी और बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हमको फाइंड करना है बट हमने सपोज किया है एच अपॉन बी सी, आपको गिवन है 30 30, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, एच इंटू रूट थ्री इसको लिख दिया इक्वल्स टू 30 into 1 30। अब यहाँ पर ये जो रूट थ्री है मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चले जाएगा, मींस जो हाइट है इस टावर की ये हमको मिल गई 30/√3। बट यहाँ पर आप फिर से देखें जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ गया, जो रूट थ्री है वो क्या है, रैशनल नंबर, और इसको रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो रूट थ्री जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसका रैशनलाइजेशन करते हैं और उसको इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 30 into √3 30√3, √3 into √3, क्योंकि रूट के अंदर 3 into 3 का पेयर बन जाएगा तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 3 आ गया बाहर। देन 3 × 10 = 30, तो 10√3 meter, मीन्स ये जो टावर है ए बी इसकी हाइट कितनी आ गई है, 10√3 meter। सो द हाइट ऑफ टावर ए बी, जो ए बी टावर उसकी हाइट कितनी आ गई है, 10√3 meter। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग देखें तो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 meter अबव द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड है उससे कितनी हाइट पे वो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है 60 meter हाइट पे। एंड आगे क्या बोला गया है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देन जिस स्ट्रिंग से इस फ्लाई को अटैच किया गया, इस काइट को अटैच किया गया है, वो जो स्ट्रिंग है उसको हमने कहीं किसी पॉइंट, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे हमने एक पॉइंट ले लिया, इस ग्राउंड पे ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे हमने इस काइट को, काइट की जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर बांध दिया। देन आगे क्या बोला गया है, अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के एक पॉइंट पर हमने इस काइट की जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर बांध दिया। देन द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 degree, और अब यहाँ पर ये जो आपकी स्ट्रिंग है जिससे काइट यहाँ पर उड़ रही है, जिसके साथ उस स्ट्रिंग के साथ इस ग्राउंड का जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 60 degree। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, मीन्स इस स्ट्रिंग के साथ इस ग्राउंड का जो एंगल है वो कितने का है, 60 degree। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और यहाँ पर मतलब हमको ये सपोज करना है कि ये स्ट्रेट ही है, यहाँ पर ये सपोज करके चलना है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो तो कैसी भी हो सकती है, तो यहाँ पर हमको ये सपोज करके चलना है कि ये स्ट्रेट है, इसमें कोई भी स्लैक नहीं है। देन अब हमने इसको सपोज कर लिया और इसकी जो लेंथ है हमको ये फाइंड करना है, मीन्स हमको हाइट गिवन है कि कितनी हाइट पर है ये, और इस स्ट्रिंग की हमको लेंथ बतानी है, तो इसकी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं एल मीटर। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी काइट के, देन इस हाइट, इसकी हाइट कितनी है इस ग्राउंड से, के टी 60 meter हमने सपोज किया है। देन यहाँ पर जो इसकी स्ट्रिंग है जिसके साथ ये यहाँ पर उड़ रही है उसकी लेंथ हमको बतानी है, तो इसकी लेंथ हमने सपोज कर ली एल मीटर,
और ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। मीन्स यहाँ पर ये पूछा है हमसे, ये हमको गिवन है, मीन्स ये अपॉन ये करें या फिर ये अपॉन ये। देन ये 60 डिग्री का एंगल है, मीन्स ये एंगल, मीन्स इसके अपोजिट में ये साइड है, तो ये अपोजिट साइड है, मीन्स ये परपेंडिकुलर, तो इसके अपोजिट में है ये साइड, इसलिए ये हो जाएगी आपकी अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड या फिर बेस, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस। मीन्स यहाँ पर आपको इन दोनों का रेशो देखना है कि किस में आता है। आप चाहें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस कर दें या फिर हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस करते हैं तो ये जो रेशो होता है ये किस में आता है, साइन में। कैसे देख लेते हैं, अगर इससे देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस तो पहला होता है साइन, देन कॉस, देन टेन, मीन्स ये आएगा साइन में। और सो का टू से देखें तो साइन के लिए अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। सो क्वेश्चन में हमको जो जो गिवन है हमने वो लिख लिया। ये जो हाइट है KT, ये कितनी गिवन है हमको, 60 मीटर। स्ट्रिंग है हमारी KP, जिसको हमने सपोज कर लिया L मीटर। जो एंगल बन रहा है ये है KPT या फिर एंगल P कह सकते हैं, ये है 60 डिग्री का। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये भी स्ट्रेट है और ये हाइट जो होती है ये भी स्ट्रेट है, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो नाउ राइट एंगल ट्राइंगल KTP। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू KT ओवर KP। हम देख चुके हैं कि ये ओवर ये किस में आ रहा है, मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस किस में आ रहा है आपका, साइन थीटा में। तो यहाँ पर KT कितना है आपका परपेंडिकुलर, तो KT, और हाइपोटेन्यूस है KP, तो KT ओवर KP। KT की वैल्यू 60, KP हमने सपोज किया है L, और थीटा है आपका 60। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा, थीटा कितना है हमारा 60, तो साइन 60, KT 60 गिवन है और KP हमने सपोज किया है L। देन साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने चैप्टर 8 में देखी थी, तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 ओवर 2, देन 60 ओवर L। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, L इंटू रूट 3, 60 इंटू 2, देन 60 इंटू 2, 6 टू 12, 0। रूट 3 मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा। देन अब यहाँ पर रूट 3 फिर से इरेशनल नंबर है, और रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 120 रूट 3 ओवर 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा 3। 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, इस स्ट्रिंग की लेंथ। तो जो स्ट्रिंग है आपकी KP, इसकी लेंथ हमको मिल गई है 40√3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो लेट सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ए बी, ये बिल्डिंग है 30 मीटर। देन अब सपोज करिए कि यहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है और इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो इस पॉइंट पे ये खड़ा हुआ है और यहाँ से अगर ये इस बिल्डिंग को देख रहा है, मीन्स इसके टॉप पॉइंट को देख रहा है, तो आप देखें ये तो 30 मीटर टोटल बिल्डिंग है और 1.5 इसकी हाइट है। मीन्स अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टोटल 30 है और ये जो पार्ट है ये कितना है 1.5, क्योंकि लड़के की हाइट कितनी गिवन है हमको 1.5 मीटर। देन यहाँ पर देखिए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब जब यहाँ से वो बिल्डिंग को देखता है तो जो एंगल बनता है वो होता है 30 डिग्री का, और वो जैसे जैसे और आगे बढ़ता है तो एक पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट से एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स हम सपोज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको क्लियरली आपको समझना है। ये लड़का है 1.5 मीटर इसकी हाइट है और ये बिल्डिंग के जस्ट सामने खड़ा हुआ है, तो ये सरफेस है, मीन्स ये क्या है सरफेस है और इस पे ये खड़ा हुआ है, मीन्स अगर यहाँ बिल्डिंग खड़ी हुई तो उसके सामने खड़ा रहेगा। देन अब अगर वो देखता है तो इस पॉइंट से देखेगा, मीन्स यहाँ पर उसकी आई थी, तो यहाँ से अगर वो देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को तो वो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और जैसे ही वो और आगे आगे बढ़ता जाता है तो एक पॉइंट पे आके एंगल बनता है कितने का 60 डिग्री का। देन अब यहाँ पर देखें, पहले इस पॉइंट पे था देन इस पॉइंट पे आया, तो पहले वो किस पॉइंट पे था डी पॉइंट पे था, देन वो किस पॉइंट पे आ गया ई पॉइंट पे आ गया। देन हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब जितना वो बिल्डिंग की तरफ चला है
इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट से किस पॉइंट पे आया, ई पॉइंट पे आया, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। देन अब यहाँ पे देखें, ये बिल्डिंग कितने की है, 30 मीटर की है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर, इसकी हाइट, और जो लड़का है उसकी हाइट कितनी है 1.5, मींस इतनी हाइट तो लड़के की हो गई। तो अगर हमको इतनी हाइट चाहिए, सपोज कर लेते हैं ये एफ पॉइंट है, तो हम जब इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे तो हमको सिर्फ इतनी चाहिए होगी ए एफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें से ये जो लड़का है इसकी हाइट को माइनस कर देंगे तो हमको ए एफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है जिसके जस्ट सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5, मींस उसकी भी हाइट है और बिल्डिंग की हाइट, दोनों की हाइट अलग अलग हमको गिवन है। देन हमको गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मींस जो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री। अब 30 से 60 कैसे होता है, पहले 30 बनता है और जैसे जैसे वो आगे चलता है देन एक पॉइंट पर रुकता है, उस पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। देन हमको फाइंड करना है कि वो कितना चला, मींस हमको ये फाइंड करना है डी पॉइंट से ई पॉइंट तक अगर वो चला है तो ये डी ई हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर ट्राइंगल देखें ए एफ डी, तो इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसके लिए हमको चाहिए होगा ए एफ। अब टोटल ए बी हमको गिवन है 30 और ये पार्ट हमको पता है क्योंकि इस लड़के की हाइट कितनी है, बॉय की हाइट कितनी है 1.5, तो 30 में से अगर इस हाइट को हम माइनस कर देते हैं तो ये जो हाइट मिलेगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए एफ इज़ इक्वल्स टू ए बी माइनस एफ बी मीन्स 1.5, तो लड़के की हाइट 1.5, तो ए बी 30 माइनस 1.5 तो आ गया 28.5। देन नाउ इन ट्राइंगल ए एफ डी, तो अगर ट्राइंगल ए एफ डी की बात करें तो ए एफ डी मीन्स पूरा ट्राइंगल, इसमें हम 60 को नहीं देखेंगे, अगर चाहें तो आप अलग से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए एफ डी इसको अलग से ड्रॉ कर लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 30 लेना है या 60। तो अभी हमने लिया कहाँ तक, ए एफ डी तक ले रहे हैं, मीन्स डी पे कौन सा एंगल बन रहा था 30, इसलिए 30 को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखें हमको क्या फाइंड करना है, ये डी ई फाइंड करना है, मीन्स हमको यहाँ पर बेस ही देखना है। सो यहाँ पर देखें गिवन क्या है हमको, ये ए एफ और फाइंड करना है डी एफ, मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो ए एफ डी में अगर बात करें तो एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, ए एफ ओवर डी एफ मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये किस में आता है, 10 थीटा में, तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए एफ और बेस है डी एफ, तो ए एफ ओवर डी एफ, ए एफ हमने अभी फाइंड किया तो 28.5, डी एफ एज इट इज। अब थीटा कितना है आपका 30, इसलिए हमने लिखा 10 30। अब 10 30 की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, सो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए एफ की वैल्यू 28.5 एज इट इज, डी एफ एज इट इज। देन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डी एफ इंटू 1 डी एफ, 28.5 इंटू √3 मीटर, मीन्स डी एफ ये टोटल जो है ये कितना आ गया आपका 28.5 √3। देन अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए एफ ई, सिर्फ ई तक, और ई पे कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, मीन्स यहाँ पर कौन सा एंगल लेंगे हम, थीटा की प्लेस पर 60। तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए एफ ई या फिर हम कह सकते हैं ए ई एफ, अब ये ट्राइंगल ले रहे हैं और कौन सा एंगल बन रहा है 60, तो एंगल ए ई एफ कितना है हमारा, ए ई एफ 60, ए एफ सेम आ रहा है दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ए एफ 28.5 और ई एफ हमको पता नहीं है तो ई एफ क्वेश्चन मार्क। देन इसमें भी परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रहा है, मीन्स यहाँ पर भी लगेगा 10 थीटा और 10 थीटा, थीटा की प्लेस पर क्या आएगा 60। सो 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है ए एफ और इसका बेस है ई एफ, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं अभी हम, सिर्फ ए ई एफ, ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है ए ई एफ मीन्स ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ये ले रहे हैं और इसमें एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का और इसका परपेंडिकुलर है ए एफ और इसका बेस क्या है ई एफ। परपेंडिकुलर मीन्स ऑपोजिट साइड ए एफ और बेस मीन्स एडजेसेंट ई एफ। देन ये है 28.5 मींस ये ए से लेके एफ तक, क्योंकि ए भी टोटल 30 है बट हमको चाहिए ए एफ, तो ए एफ ओवर ई एफ, ए एफ ओवर ई एफ, थीटा कितना है 60, तो 10 60, ए एफ 28.5, ई एफ हमको पता नहीं है तो इसको एज इट इज। देन 10 60 की वैल्यू होती है √3, 28.5 एज इट इज, ई एफ एज इट इज। अब ये ई एफ
डिवाइड में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इक्वल्स टू किस तरफ चले जाएगी और रूट थ्री कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। देन ई एफ की वैल्यू आ गई 28.5 रूट थ्री, बट यहाँ पर फिर से देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट थ्री, तो इसको इरेशनल से हम रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट थ्री से डिवाइड। सो यहाँ पर हमारा ई एफ आ गया है 28.5 रूट थ्री ओवर थ्री, कैसे 28.5 इंटू रूट थ्री, तो 28.5 रूट थ्री और रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना आ गया, थ्री। देन अब आप चाहें तो थ्री से इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, थ्री से इसमें डिवाइड कर दिया, थ्री नाइन ज़ार 27, वन बचा तो हो गया 15, थ्री फाइव ज़ार 15 और रूट थ्री एज इट इज़, तो ये आ जाएगा 9.5 रूट थ्री मीटर। तो यहाँ पर हमने ई एफ फाइंड कर लिया, और ई एफ कैसे फाइंड किया, टेन थीटा इस वाले ट्राइंगल में हमने काम किया ए एफ ई, और क्योंकि ए एफ ई में हम काम कर रहे थे इसीलिए ये जो ई है ई तक जा रहा है क्योंकि ये ट्राइंगल, और ई पे कितने का एंगल बन रहा है 60, मीन्स 10 60, देन परपेंडिकुलर ओवर बेस, या फिर हम कह सकते हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, तो 28.5 और ई एफ एज इट इज़। देन इसको सॉल्व कर लिया तो ये आया 28.5 रूट थ्री, बट ये रैशनल नंबर है तो इसको रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने रूट थ्री से इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 28.5 रूट थ्री ओवर थ्री, डिवाइड किया तो ये आ गया 9.5 रूट थ्री, मीन्स हमको ई एफ भी मिल गया और ये कंप्लीट डी एफ भी मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है, डी ई, तो इसको देख लेते हैं। अगर आप इस डी एफ को देखें, कहाँ से, डी एफ मीन्स ये कंप्लीट लाइन डी एफ, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है इस ई के कारण, डी ई प्लस ई एफ, तो हमने बस वही लिखा, डी एफ को हमने लिख दिया डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ। अब डी एफ की वैल्यू देखें तो डी एफ की वैल्यू हमने फाइंड की थी 28.5 रूट थ्री, देन डी ई की वैल्यू तो हमको फाइंड ही करनी है, ये पता ही नहीं है हमको, ई एफ फाइंड किया 9.5 रूट थ्री। देन ये जो 9.5 रूट थ्री है ये इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो हो जाएगा नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव 9.5 रूट थ्री पॉजिटिव इक्वल्स टू किस तरफ आया, तो नेगेटिव, और डी ई एज इट इज। अब इनको माइनस कर देते हैं क्योंकि ये भी रूट थ्री है, ये भी रूट थ्री है। सो यहाँ पर देखें रूट थ्री तो एज इट इज रहेगा, देन 5 - 5 तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, देन यहाँ आ जाएगा 8, तो कैरी लेंगे 1 तो हो जाएगा 18, और 18 - 9 आ जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 1, तो 19 रूट थ्री मीटर। मीन्स ये जो डी ई है ये हमको कितना मिल गया, 19 रूट थ्री मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लड़का है इस डी पॉइंट से ई पॉइंट तक गया, जब हमारा एंगल 30 से 60 इंक्रीज हुआ, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 19 रूट थ्री मीटर। सो बॉय इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी थी, ये कितनी आ गई, 19 रूट थ्री मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इसके अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।